हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है 13 अगस्त और आज मनाने जा रहे हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, जिसके तहत आज तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। और आज जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने के मुताबिक हर घर पर आज तिरंगा लगाना है, तो आज हम लेने जा रहे हैं तिरंगा। हमारे साथ हैं पवन जी पंडित, 19GD वाले, और हम जा रहे हैं आईटी सेंटर में, हमारे गांव के आईटी सेंटर में। वहां पे गिरधारी जी हैं जो वहां पे सर्विस दे रहे हैं, और उनसे हम गिरधारी जी और अनिल जी जो कि जयपुर से हैं उनसे हम तिरंगा लेंगे, और उसके बाद में हम अपनी बाइक पे और बाइक के बाद घर की छत पे भी हम अपना तिरंगा लगाएंगे, और फिर आगे गाँव में आने वाली है तिरंगा रैली, उसके तहत हम उस रैली में भी हिस्सा लेंगे। तो देखते हैं, आगे जा रहे हैं अभी हम तिरंगा लेने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं आईटी सेंटर 19GD के, और अभी हम तिरंगा लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपको हमने पहले बताया था कि हम अपने छत, घर की छत पे लगाने वाले हैं, बाइक पे भी लगाएंगे, और आज गांव में तिरंगा रैली भी होने वाली है। ये हमारे पवन कुमार जी पंडित, इनको तिरंगा वितरण किया जा रहा है गिरधारी जी के द्वारा, और जयपुर से हमारे अनिल कुमार जी LDC के पद पर यहाँ पे। बहुत ही अच्छा, आप लोग नहीं आ रहे, ये हमने तिरंगा ले लिया है, और 10 बजे रैली भी है ना हमारे गांव में, 10 बजे के लगभग तिरंगा रैली भी है, तो उसमें भी हम भाग लेंगे। तो अभी हम आगे घर पे जाते हैं एक बार, और तिरंगा घर की छत पे लगाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये हमारे घर पे हमने भी तिरंगा लगा दिया है। 13, 14 और 15 अगस्त तक यूं ही लहराता फहराता रहेगा। हमारे गाँव में काफ़ी लोगों ने अपने अपने घरों पर, बाइक पर, गाड़ियों पर तिरंगे लगाए हैं, हर घर के ऊपर तिरंगा, और ये हमारे गांव के हर घर पे तिरंगा आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी रुचि ले रहे हैं हमारे गांव वाले। ये हमारे ओम जी फार्म ट्रक के ऊपर दो दो तिरंगे लगा करके काफ़ी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ में हिस्सा लेते हुए, काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बड़ा ही उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे तिरंगा यात्रा के दौरान। आप देख सकते हैं, तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए हर कोई, जमींदार हो कोई भी हो, वो हिस्सा ले रहा है, खूब हिस्सा ले रहा है। अब ये खेत में जा रहे थे, जैसे इन्हें मालूम चला कि तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो ये खेत से अपना काम छोड़ करके आए हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में ये देखते हुए। तिरंगा यात्रा पहुंचे, हमारे सरपंच साहब आ चुके हैं, सरपंच साहब हिस्सा लेने के लिए अभी पहुंचे यहाँ पे। और सरपंच साहब और तिरंगा लेकर के जा रहे हैं सरपंच साहब। ये हमारे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 19GD में तिरंगा यात्रा रैली की काफ़ी अच्छी तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही है। काफ़ी तैयारी की यहाँ के टीचर्स ने, और ये देखिए बच्चे एक आवाज़ में कैसे जय हिंद बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। काफ़ी अच्छा आपको ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हर आपको गांव के गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलेगा। बच्चों में काफ़ी हौसला दे रहे हैं टीचर, और काफ़ी उत्साहवर्धन के साथ, और ग्रामीण भी काफ़ी उत्साह के साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और इधर हमारे रंजीत सर, जो आपको हमने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि पौधारोपण का जहाँ भी प्रोग्राम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ख़ास करके राजस्थान में, ख़ास करके राजस्थान में जहाँ पर पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये जो प्रोग्राम है काफ़ी उत्साहवर्धनीय है। और ये हमारे रंजीत सर, जहाँ भी कोई खास करके सरकारी स्कूल में इसका सर। और ये तिरंगा यात्रा का अभी शुरुआत होने जा रही है। ये हमारे टीचर, ग्राम के जनमान्य, ये बच्चे देशभक्ति गीतों के साथ काफ़ी जोश पैदा करने वाला सॉन्ग लगा रखा है। सभी बच्चों में जो उत्साह है वो देखने को ही मिल रहा है, काफ़ी उत्साह, और ख़ास करके जो टीचर ने जो तैयारियां करवाई है यहाँ पे, बहुत ही सराहनीय है।
और हमारे गांव के सरपंच साहब श्री चंदनदीप सिंह जी मान जो सबसे बीच में आए हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल से निकल चुकी है। और सबसे आगे हमारे गांव के सरपंच श्री चंदनदीप सिंह मान और टीचर और गांव के जनमान्य मेंबरगण किशन जी नाथ, साथ में देशभक्ति सॉन्ग के साथ काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे ये शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे टीचर उनके पीछे बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से जा रहे हैं। बच्चों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है ना, वो काफ़ी उत्साह है। और अभी साथ में 15 अगस्त की तैयारियां भी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 19 GD की तस्वीरें, ये रैली आगे जाती हुई। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया यहाँ पे और बच्चे अभी भी काफ़ी बच्चे हैं इस सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में। ये एक ऐसा स्कूल है हमारे एरिया का जहाँ पे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और उसी की बदौलत यहाँ से जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं वो भी इस स्कूल से काफ़ी जुड़े हैं। अभी देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। रैली देखिए कहाँ तक कितनी लंबी चली गई, और उसके बाद भी ये बच्चों की जो लाइन है वो ख़त्म नहीं हो रही है। अभी आप देख रहे हैं रैली धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह आपको देखने को मिलेगा। एक हमारे गांव के सरपंच साहब, यानी आप किसी भी प्रोग्राम में बुला सकते हैं, खास करके 15 अगस्त 26 जनवरी। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बाइक पे स्पीकर रख रखा है इन्होंने देशभक्ति गानों के साथ, और काफ़ी तिरंगा के साथ काफ़ी बच्चे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, कितना जोश है इन बच्चों में देखने को ही बनता है। अब देख सकते हैं तिरंगा यात्रा के दौरान मैं वापस आऊंगा अपने गांव में, उसकी छांव में कि माँ के आंचल से गांव के पीपल से किसी के काजल से। तिरंगा यात्रा की जो लंबाई है वो देखते ही बनती है। पूरे गांव के बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे और गांव के युवा काफ़ी उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे इस गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी बच्चे हर बार एडमिशन लेते हैं, नया एडमिशन हर बार होता है अलग अलग गाँव से। हमारे सरपंच साहब का घर, तो सरपंच साहब के घर से आगे से होकर के अभी जा रहे हैं, और ये लोकेश कुमार काफी उत्साह वर्धन के साथ रैली निकाली जा रही है। दोस्तों काफी उत्साह, कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छा, हर बच्चे में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो रहा है यहाँ पे। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, देश के लिए जान देने की तमन्ना लिए हर बालक।
और ये हमारे दो खाली बैठे हुए हैं। भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे काफी जोश इनमें, इनका जोश तो देखने को ही बनता है। ये आप रैली देख रहे हैं, ये रैली जा रही है इस वक्त बैरागी चौराहे को क्रॉस करते हुए, बैरागी चौराहे को क्रॉस करते हुए रैली, रैली तो छोटा कहनाती चौकी होगी, बहुत ही बड़ी रैली। स्कूल के विद्यार्थियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है स्कूल के विद्यार्थियों ने। देशभक्ति गानों के साथ देशभक्ति का जज्बा यहाँ पे देखने को ही देखते ही बन रहा है। भारत माता की जय के साथ बहुत ही अच्छा उत्साह यहाँ पे बढ़ाते हुए स्टूडेंट एक दूसरे का, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, बहुत ही अच्छा व्लॉग बना रहे हैं आपके लिए। चाहते हैं कि ये वाला जो व्लॉग है आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। बैरागी चौक को सभी बच्चे एक एक करके पार करते हुए, यहाँ पे कुछ लाइनें इधर उधर हो गई है, उसका कारण यह है कि पिछली रात यहाँ पे काफ़ी बरसात हुई है जिस वजह से गलियों में पानी पड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को गली से निकलना मुश्किल हो रहा है।